नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 3 जनवरी 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और मैंने बाइसल लेवल से जो बाइसल जो रिकमेंडेशन देता हूँ बाइसल लेवल कंपनियों से बाइसल इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न और स्ट्रेटजी का मैंने जो बाइसल लेवल दिखाता हूँ और जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ कहाँ पर फॉर्म किया है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को 95% के ऊपर प्रॉफिट दे सकता है और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट, 50 इंडेक्स का चार्ट देखता हूँ। तो देखिए इसका ये मैंने कल आप लोग को दिखाया था कि इधर सॉरी ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना था ये कल का कैंडल ये अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया, मतलब इसका ये इनसाइड द बार स्ट्रेटेजी आप लोग को कल का वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसका आप लोग वो आप लोग को दिखाया था। ये कल का फाइल है, आज ही मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर करता हूँ आप लोग भी ज्वाइन हो सकता है। इधर देखिए ये इनसाइड द बार निफ्टी फ्यूचर इधर हो गया था, तो इसके बाद ये जिसका जब हाई लो ब्रेक करने करेगा तो ये ऊपर चला जाता है, अच्छा मूवमेंट दे देता है। तो देखिए ये 12,222 के ऊपर ये जब हाई का ब्रेक किया तो ये 12,219 तक गया, 90 तक गया था, लेकिन ये 12,300 के ऊपर जा नहीं पाया। इसके अंदर ही कॉन्सोलिडेशन मैंने बोला था कि कॉन्सोलिडेशन के जो ज़्यादा चांसेस है इसका अभी ऊपर जाने के लिए 12,300 ब्रेक करना पड़ेगा। अभी भी लगता है कि ये कॉन्सोलिडेशन ही होगा क्योंकि इसका कल जो PCR रेशियो है था 0.75 0.76 था, तो उसके बाद वो नीचे नहीं आके वो 0.75 से 1 तक ये साइड वेज मूवमेंट होता है, कॉन्सोलिडेशन ही होता है। तो उसके बाद आज इधर से कॉन्ट्रैक्टर लेके इसका PCR रेशियो बढ़ गया, वो मैंने ऑप्शन चेन जो बैलेंसेस करूँगा वो दिखाऊँगा। और इसका देखिए जो 38.2% ये कल इधर 50% तक आके फिबोनाची लेवल 50% तक आके ये रिट्रेस हो गया है, तो 38% के ऊपर ये जब गया है तो इसका थर्टी एट परसेंट ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसके बाद इसका जो है इसका एक्सटेंशन लेवल को देखना पड़ेगा, तो एक्सटेंशन लेवल इधर अभी इसका अगर आ रही है मैंने आने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखिए इधर आप लोग छोटा देख रहा है छोटा सा ये -38.2 मतलब 12,409 इसका ऊपर ही अभी बाई करना चाहिए, नहीं तो इसका बाई करना नहीं चाहिए। 394 के बाद इसका लेवल आएगा तो इसका अभी जो 12,000 इसका नीचे जो आएगा फिर से 12,193 के नीचे आ सकता है। उसके बाद 50% को जब ब्रेक करेगा तो 61.8 12,200 128 उसके बाद 12,590 तक आ सकता है और ऊपर भी जाएगा। तो इधर सर अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि इधर से जब ऊपर गया था उसके बाद इस रेंज के अंदर ये कॉन्सोलिडेट हो रहा है। इधर जो 12,293 इसका लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ 12,300 के ऊपर, तो अभी शायद कुछ दिन के लिए ये कॉन्सोलिडेशन ही होगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये रेंज ब्रेक करके ये ऊपर जाना है क्या नहीं रहता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी को देखता हूँ, बैंक निफ्टी भी सेम पैटर्न है। देखिए इधर से ऊपर जाने के बाद ये इधर इस रेंज में ये कॉन्सोलिडेशन हो रहा है, तो इधर भी 38.2% से ऊपर ये ऊपर गया है इधर, लेकिन 32,500 ये क्रॉस नहीं कर पाया। तो और नीचे इसका आएगा तो इधर 32,61.8% मतलब 32,81,850 के नीचे, उसके बाद 32,000 का नीचे 31,380 तक आ सकता है। और ऊपर जाने के लिए इसका
फर्स्टली तो बोलती है 500 तो पहले तो वेट करना पड़ेगा, उसके बाद बोलती है 600 या 700 तक जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, इसके अंदर ही कॉन्सेंट्रेशन होगा रहता है, उसके बाद रेंज ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन रेंज कौन सा साइड में ब्रेक होगा ये अभी तक इधर से पता नहीं चल रहा है तो, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाने का, क्योंकि इसका पी रेशियो और पी वी रेशियो जो है वो नीचे ही है, और इंडिया विक्स भी थोड़ा सा साइड में दिख रहा है, तो इधर ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा, मतलब चेक ये अभी कॉन्सेंट्रेशन होगा और नीचे आने का, उसके बाद ये नीचे आएगा, तो ऑप्शन चेन मैंने जो एनालिसिस करूँगा तो इसको देखना पड़ेगा, ऑप्शन चेन को जो मैंने इसका जो नेक्स्ट एक्सपायरी देता हूँ, इधर देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी में निफ्टी का 1.50 फिर से 1.50 हो गया, मतलब ऊपर का ना जो आप लेवल है उसके ऊपर चला गया, वो दिया 400 में इसका रेजिस्टेंस बना है, और इधर लॉन्ग बिल्डअप भी हो चुका है, और इधर 12,200 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, पुट साइड में इधर सपोर्ट बना है, बोलिए इधर मतलब इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन वो सो सकता है और भी थोड़ा सा ऊपर जाके ये नीचे कॉन्ट्रैक्टेड लेके जरूर आएगा, क्योंकि इधर PCR AC 1.50 हो गया है, और इधर IBB गिर चुका है, IBB इधर कम है, IBB जो है इसका कम दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या दिखा रहा है देखना पड़ेगा, इधर PCR AC बैंक निफ्टी का 1.11 है, 1.10 का थोड़ा सा ऊपर है, इधर 32,700 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इस इधर शॉर्ट पुट ऑल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट इधर है, और इधर 32,200 में इसका सपोर्ट बना है, और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इस साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इधर ये इंडिकेट कर रहा है ऊपर जाएगा, तो देखना पड़ेगा कब ऊपर कितना भी जा सकता है और कितना कॉन्फिगरेशन हो सकता है, और इधर जो मैंने प्रोबेबिलिटी को जो दिखाऊंगा, प्रोबेबिलिटी को इधर आप लोग मैंने देख सकते हैं, इधर करंट प्राइस कॉल फॉर इंटरेड वाली की पूरी इंटरेड वाली या 7 दिन का जो एक्सपायरी है 12,200 में, इधर 12,200 का निफ्टी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इस एक्सपायरी में ज़्यादा है, मतलब 12,200 के आसपास, और इधर भी 32,200 में का आसपास जाने का प्रॉबिलिटी, मतलब प्रॉबिलिटी 7 दिन के हिसाब से नीचे दिखा रहा है, तो देखना पड़ेगा फिर, और रात में आप लोग को वैसे लेवल भी आप लोग को दिखा दूंगा, कल का भी लेवल मैंने कल का जो भी ROG देता हूँ, तो कल का लेवल भी एक बार देख लेते हैं कैसे कितना था इधर वैसे लेवल निफ्टी का, और निफ्टी का लेवल था, बैंक निफ्टी का लेवल था 12,372 के ऊपर बाई, 12,305 के ऊपर सेल निफ्टी की बैंक निफ्टी फ्यूचर का, तो इधर बैंक निफ्टी का फ्यूचर में देखिए 302 के ऊपर बाई हुआ, तो इसका 5.4 मैंने देख लेता हूँ, इधर 5.4 में ये पहले तो ये जो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स जो है इसका देखिए, इधर पहले ये 32,302 के ऊपर जो इसका वाई लेवल था इस पेन में 32,372 के ऊपर वाई लेवल था, तो इधर 32,377 उसके बाद ये 408 गया था पहले, तो नीचे वाला लेवल आया था कि नहीं आया था, नीचे वाला लेवल 305 के नीचे, 305 के नीचे ये जगह नहीं आ पाया, 305 के नीचे 283 तक आया था, उसके बाद फिर ऊपर गया है, ऊपर 605 तक ऊपर गया था, इधर 372 के ऊपर से 600 तक ऊपर गया था, और बैंक निफ्टी का जब दिखता हो